आशीर्वाद हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर सर्व सुविधा युक्त विश्व स्तरीय IVF लैब सुलभतम पैकेज में अधिकतम सफलता के साथ विश्व स्तरीय IVF यूनिट एडवांस सुविधाओं के साथ अधिकतम सफलता दर EMI पेमेंट का विकल्प आप पर आर्थिक बोझ कम करता है। आशीर्वाद हॉस्पिटल में मातृत्व सुख की अधिकाधिक संभावना के कारण है IUI, IVF, ICSI और सरोगेसी जैसे विकल्प। आशीर्वाद हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां सपने होते हैं साकार। नमस्ते मैम, मेरा नसबंदी हो चुका है और मुझे नेचुरल तरीके से या फिर किसी भी तरीके से बच्चा चाहिए, तो उसके लिए आप उपाय बता सकते हैं क्या? देखिए, नसबंदी हो चुका है, इसमें ये डिपेंड करता है आगे प्रेगनेंसी के लिए आपको क्या करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कपल को बुलाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों को बुलाते हैं और दोनों की कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं हमें। नसबंदी हो चुका है तो उसमें हमारे पास दो तरीके हैं प्रेगनेंसी फिर से लाने के। या तो हम ऑपरेशन करके नस को खोलें, ट्यूब का जिसे कि रीकेनलाइजेशन सर्जरी कहते हैं। अगर ट्यूब खुल जाता है बहुत अच्छी बात है, उसके बाद आप नेचुरल तरीके से ट्राई कर सकते हो प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन अगर नेचुरल तरीके से ट्राई करना चाह रहे हैं या हम ट्यूब ओपन करने की सर्जरी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए दो तीन बातें पहले बहुत ज़रूरी होती हैं कि ट्यूब ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये डिसीजन के लिए हम एक तो हस्बैंड का सीमेन टेस्ट करते हैं, अगर उसमें काउंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर आप महिला का ऑपरेशन करें तो उसे सक्सेस के चांसेस अच्छे रहते हैं। लेकिन महिला का अगर बहुत मासिक धर्म कम हो चुका है या उम्र ज्यादा हो चुकी है या अंडे बनने की क्षमता बहुत कम हो गई है, तो हम नस को खोल भी दें तो भी उसमें प्रेगनेंसी आने की संभावना बहुत ना के बराबर हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम उसको दूसरा उपाय बताते हैं जो है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसमें कि नस को खोलने की जरूरत नहीं रहती है। इसमें लैब में फर्टिलाइजेशन करके भ्रूण तैयार करके और उसको डायरेक्ट महिला के गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाता है। तो वो मरीज का हार्मोनल स्टेटस कैसा है, उसके पति का सीमन का रिपोर्ट कैसा है, उसके अंडाणु बनने की क्षमता कैसी है, इसको देख के तय किया जाता है कि मरीज का ऑपरेशन करके नसबंदी खोल के उसको तैयार किया जाए प्रेगनेंसी के लिए या फिर उसको टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए सलाह दिया जाए।